तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बोर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आप घर पे साड़ी ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हैं और कोई भी साड़ी आपसे अगर डैमेज नहीं हो तो ये मेरी बकबक पूरी सुनिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो हम वीडियोज बनाते हैं हाउ टू साड़ी ड्राई क्लीनिंग एट होम। सभी तरह की साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग घर पे नहीं हो सकती हैं, और जो होंगी भी तो उनको काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जो साड़ी MTO से वॉश होगी मैं वो MTO से वॉश करके दिखाता हूँ, जो साड़ी वाटर और डिटर्जेंट से वॉश होगी वो मैं वाटर और डिटर्जेंट से वॉश करता हूँ। लेकिन कई बार सभी साड़ियों पे वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होंगी, तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूँ। तो ऐसी एक साड़ी है जो हमारे कस्टमर्स ने घर पे वॉश किया है, तो इसमें क्या डैमेज हुआ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जो है ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और इसका जो वर्क होता है, वर्क का जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा लूज होता है। आप अगर इसको समझेंगे कि ये कलर फिक्स होगा और इसको आसानी से हम घर पे वॉश कर सकते हैं, तो इस तरह का डैमेज साड़ी में हो सकता है। ये पूरा येलो कलर जो है व्हाइट कलर का फॉल था, और सेम इसी तरह के स्टेन साड़ी में भी लगे थे, तो हमने काफी रिमूव किया है। मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये स्टेन मैं रिमूव कर पाऊंगा, अभी भी है कुछ, तो देख लीजिए आप। अभी भी कुछ जगह पे उसके स्पॉट है, तो ऐसी साड़ियां हमें घर पे वॉश करनी नहीं है। अगर आपके पास डेडिकेशन हो, एक वॉशिंग मशीन हो जिसमें आपका स्पिनर अच्छे से चलता हो, तो इस साड़ी को आप इमीडिएटली वॉश कीजिए और स्पिनर में डाल दीजिए, और ज़्यादा टाइम इसको स्पिनर में घुमाइए ताकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि साड़ी वॉश करने के बाद में गीली होती है। ऐसे ही आप सुखा देंगे तो ये कलर धीरे धीरे पूरी साड़ी पर फैल जाएगा। इसी साड़ी का हाल भी कुछ इसी तरह का था, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बोल दिया जाए। बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया होता है, डिजाइनिंग रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, तो वो बहुत बार लूज होता है। पानी में जाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि इसका कलर लूज है, लेकिन जब आप उसको सुखाने डालते हो तो उसका धीरे धीरे बॉर्डर के साइड में कलर लग जाता है। बहुत सारे लॉन्ड्री ओनर भी होते हैं तो जिनसे भी मिस्टेक होती है, समझ नहीं पाते हैं वो कि उसका कलर लूज है या नहीं है, और थोड़ी भी हमने देरी की तो कलर इसका परमानेंटली डैमेज हो सकता है। ये कपड़ा अच्छा है इसके लिए, इसका स्टेन निकल गया। सभी तरह के कपड़े अगर सिल्क हो, कॉटन हो, तो कलर का स्टेन नहीं जाएगा, काफी आपका परमानेंटली डैमेज हो सकता है। घर पे साड़ियाँ वॉश करेंगे तो आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क देखना है, उसके ऊपर कुछ स्पार्कल वगैरह है, डायमंड वर्क है वो देखना है, उसके बाद में उसका कलर कितना लूज है वो देखना है। मेरी वीडियो देख के अगर आप साड़ी ड्राई क्लीनिंग करता हो तो देख लीजिए कि साड़ी किस टाइप की है, उसी टाइप की साड़ी होगी तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अगर कोई भी एक साड़ी ले लोगे, चलो भी वीडियो देख के हम कर देंगे, तो डैमेज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि सर हमारा डैमेज हो गया, तो इसीलिए मुझे आपको गाइड करना भी काफी जरूरी है, तो आपका इतना टाइम लिया तो मुझे माफ करना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से काफी। तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की वीडियो आप चाहते हो अगर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में बेल आइकन आएगा तो उसको भी क्लिक कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस साड़ी का स्टेन जाएगा या नहीं जाएगा मुझे भी नहीं लग रहा था, नहीं तो इसकी मैं वीडियो डेफिनेटली बनाता। जो अभी फॉल पे जो स्टेन बचा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साड़ी पे के स्टेन 90% तो रिमूव हुए है। तो फ्रेंड्स, अगर घर पे साड़ी वॉश करेंगे तो काफी संभाल के वॉश करना पड़ेगा, जैसे मैं वीडियो दिखाता हूँ 100% वैसे ही प्रॉपर फॉलो कीजिए, और मैंने देख लीजिए कि मैंने किस तरह की साड़ी वॉश की है, तो आपसे डैमेज नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।